दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो, ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर अब वामपंथियों और नक्सलियों का कब्जा हो चुका है, वो उसके चुंगल में फंस गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर माओवाद अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अब माँ बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने ये बातें अपने घोषणा पत्र में भी कही है। कांग्रेस पार्टी पर आदिवासियों के कल्याण की अनदेखी करने का भी आरोप है। बांसवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब वामपंथियों और अर्बन नक्सलियों के चुंगल में पूरी तरह से फंस गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए। साथियों, स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा, और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनावी नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट मत दो। पूरी कांग्रेस पार्टी, हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो, यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता, यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो, ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है, अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है, कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी।